सीता के मन में भाव जगा कि कोई ऐसा संत तो मिलता जिसको मैं खूब छक करके भोजन कराता। कोई ऐसा मिलता ही नहीं, जो मिलता है वो दो फुलके खाने वाले मिलते हैं। अरे कोई संत तो मिले जिसको मैं अपने खूब अधिक भोजन करने वाले, खूब भोजन करने वाले मिले ताकि मेरे मन को संतुष्टि तो मिले। और यह बात प्रभु श्री राम से कह दिए। भगवान ने कहा देवी देखेंगे कोई ऐसा संत होगा तो उसको आमंत्रित करेंगे। और आज मन ही मन अगस्त बाबा को आमंत्रित कर दिए हैं। भगवान ऋषिवर पधारिए ना, माता जी याद कर रही है। और अगस्त मुनि का आगमन हो गया। अगस्त मुनि का प्रभु ने बड़ा स्वागत किया है, भोजन के लिए आमंत्रित किया है। भगवान ने माता सीता से कहा देवी ये संत है ना, तुम बार बार कहती थी कोई ऐसे संतों को बुलाइए जिसको मैं अपने मन चाहा भोजन करा सकूं, मन भर भोजन करे। देखो देवी ये संत है ना थोड़ा अधिक ही भोजन करते हैं, भंडार को थोड़ा संभल करके बनाना। माता सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, देखने में तो डेढ़ हड्डी के लगते हैं, दो चार पांच दस किलो आटा गूंद करके रख दिए, पूड़ी तल करके रख दिए, हलवा बना करके रख दिए, पकौड़ी बना करके रख दिए, 56 प्रकार का व्यंजन तैयार कर दिए बाबा के लिए। और आज बाबा ने क्या किया, जब भोजन पर बैठे तो सब भोजन को पटापट पटापट चटकाते चले गए। कुछ ही क्षणों के बाद वह कढ़ाई खाली दिखने लगी, फिर आटा गूंजी, फिर समाप्त हो गया, फिर आटा गूंजी, दो तीन बार गूंजते गई, समाप्त होते गया। तब वो समझ गए, परेशान हो गई, तब उन्होंने गणेश बाबा को आमंत्रित किया, रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित किए। अब जो है सब मिलकर के भोजन तैयार करने लगे, उधर भोजन तैयार हो रहा है, इधर बाबा चटाचट देते जा रहे हैं। और एक दिन दो दिन नहीं, 17 दिन तक अविराम रूप से बाबा भोजन करते रहे। अठारहवां दिन माता ने जाकर के सामने खड़ी हो गई और कहा भगवान बीच बीच में पानी पी लिया कीजिए, बीच में थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बोली देवी चिंता मत करो, हम भी जो है ना आयुर्वेदाचार्य, हमें भी आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान है, बीच हो जाएगा देवी तो जरूर पानी पी लेंगे। माता सीता ने सोचा हे भगवान 17 दिन हो गया और अभी तक बीच नहीं हुआ है, अभी तो मध्य भी नहीं हुआ है, ये तो कह रहे अभी तो शुरुआत ही है तो बीच कब आएगा। प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और माता ने कहा अरे आप कैसे महात्मा को आमंत्रित कर दिए, कैसे महात्मा को आपने आमंत्रित कर दिया, 17 दिन हो गया और अभी कह रहे बीच नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम ने कहा देवी तुमने तो कही थी कि कोई ऐसे अधिक खाने वाले महात्माओं को जो रज करके खाए, खूब छक करके खाए ताकि मुझे आनंद मिले। माता सीता ने कहा अरे मैं तो कहा था, मैं तो श्रद्धा बस कही थी, आपने तो ऐसा किया श्रद्धा का टांगी तोड़ दिया। और प्रभु ने कहा देवी तब चिंता मत करो, और मन ही मन अगस्त बाबा को कहा कि बाबा अब रहने दीजिए, अब थोड़ा विराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, जो बीच में जल पी लीजिए।
फिर माता से जब कहा कि माँ अब जल ले आओ, तो प्रभु ने कहा महाराज इस अवतार में मैं आपको भोजन कराया हूं, अगला जो अवतार होगा ना कृष्ण अवतार उसमें हम आपको जल पिलाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव बाबा कहते प्रक्षित आज वही प्रभु ने अगस्त बाबा को आमंत्रित किया है, वह मानो गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान है और उस जल को पान करते जा रहे हैं। एक तरफ सुदर्शन चक्र जल को सुखाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगस्त बाबा अपने अंजलि को लगा करके वह जल को पान कर रहे हैं। जल को पान करते हुए 7 दिन बीत गया और जो है वह ब्रज में धूल उड़ने लगा। उधर इंद्र को अपनी गलती एहसास हुआ और गलती जब महसूस हुआ तब इंद्र समझ गए ये तो साक्षात नारायण है और ब्रजमंडल में आकर के प्रभु के पास आते हैं। अपने ऐरावत को ब्रजमंडल के बाहर ही रख दिए नंगे पांव, ऐसा बताया था जो लोग गए होंगे गोवर्धन। आप देखे होंगे लोग 21 किलोमीटर का है, 7 कोस का वह गोवर्धन पर्वत है 21 किलोमीटर का। लोग नंगे पांव पद यात्रा करते हैं, कहते अपार फल होता है गोवर्धन की परिक्रमा करने से। इंद्र भी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और प्रभु के पास आकर के बड़ा सुंदर विनती करते हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तमोमयम वस्त्रजस्तमस्करम मायामयोयम गुणसम प्रवाह नविद्यते ते ग्रहान अनुबंध। आचार्य सुखदेव जी का प्रक्षित इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं। आपका श्री विग्रह विशुद्ध तत्व है, गुण के परिपूर्ण है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला माया से आप कैसे भी रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हैं। प्रभु आज से मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, अनुभव किया है। पिता गुरुत्वम जगदीश ईश्वरो दुरदुरतयाय कालोपाद दंडः। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की कि हे प्रभु आप जो हैं हमारे पिता हैं, पिता तुल्य हैं, आप केवल मेरे ही नहीं पिता, आप जगत के पिता हैं, क्योंकि कृष्णम बंदे जगत गुरुम, आप सारे जगत के गुरु भी हैं। मैंने गलती की है इसमें कोई संदेह नहीं, मैंने जो ब्रजवासियों पर कुपित हुआ वह क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु आप तो ऐसो को उदार जग माए, ऐसो को उदार जग माए, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिक को ना
हे प्रभु आपके समान इस संसार में दूसरा कौन उदार होगा।